हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे, आपकी एक्सरसाइज है 17.1 क्लास 9 हीरोन्स फॉर्मूला और बुक ले रहा हूं मैं आरडी शर्मा। ठीक है, तो बुक वाइज जो है एक्सरसाइज बदल भी सकती है और क्वेश्चन नंबर भी बदल सकता है। ठीक है, आप क्वेश्चन पर फोकस करें। क्वेश्चन कह रहा था पैरामीटर ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल इज 42। तो यानी कि हमारा आइसोस्केल जो ट्राइंगल है उसका पैरामीटर हमें यहां पर गिवन है क्या है 42। एंड इट्स बेस इज 3/2 टाइम ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड। और जो उसकी इक्वल साइड है उनका उसका बेस क्या है, उसका 3/2 टाइम्स है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, हमें जो है क्वेश्चन में उसकी साइड्स की लेंथ बतानी है, एरिया फाइंड आउट करना है और हाइट ऑफ द ट्राइंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो क्वेश्चन हमने समझ लिया, अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम को देखते हैं। तो श्रेणी यहां पर ध्यान दीजिए, तो हमें करना क्या है, एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया, और क्योंकि ट्राइंगल क्या है, आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो यानी कि हमें क्या मानना पड़ेगा, इसकी दो साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी। तो हम मान लेते हैं साइड क्या है उसकी एक्स है, और जो बेस जो है वो क्या है, इक्वल साइड्स का 3/2 टाइम है। तो यानी 3/2 एक्स हो जाएगी जो इसकी थर्ड साइड हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहां से इसका पैरामीटर क्या गिवन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑल थ्री साइड। तो सम कर देता हूं मैं इसका, क्या है, एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 3/2 एक्स। और पैरामीटर क्या गिवन था हमें, 42। तो क्या हो जाएगा, 42 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब मैं इनका सभी का क्या करूंगा, एलसीएम लेके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहां से अगर मैं देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, तो 2 आ जाएगा, यहां से 2 की एक्स में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 2x+2x प्लस क्या बन जाएगा, 3x। ठीक है, अब चलिए यहां पर क्या होगा, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 42 × 2 और 3x+2x 5x 5x+2x = 7x। तो हमें यहां से क्या मिलेगा, 7x। अब मैं अगर यहां से x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 42/2/7 से मैं इसे करूंगा 6 टाइम। तो यानी जो x की वैल्यू जो आपकी यहां से बनेगी, x = क्या हो जाएगा, 6 × 2 = 12। तो x की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपकी जो ईच जो इक्वल साइड थी वो कितनी होगी, 12 और 12। अब इसका बेस भी हम फाइंड आउट कर लें, तो बेस हमें से क्या था, बेस था हमारा 3/2x, यानी 3 × x की वैल्यू क्या है, 12 और 2। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो 6 × 3 = 18। तो जो आपका बेस है वो क्या आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर, और इक्वल साइड कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी तीनों साइड जो है वो तो हमने फाइंड आउट कर ली है। तो हमारा जो फर्स्ट जो था आपका आंसर वो आ चुका है, जो फर्स्ट साइड क्या है आपकी, फर्स्ट साइड क्या हो जाएंगी, जो आपकी इक्वल साइड है वो कितनी हो जाएंगी, 12 12 हो जाएंगी, और जो आपकी थर्ड साइड है वो कितनी आ गई आपकी, 18 आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो फॉर्मूला क्या होता है आपका, s = क्या होगा, s − फर्स्ट साइड, s − सेकंड साइड। ठीक है, यानी कि b और s − c यानी थर्ड साइड। ठीक है ना, तो अब देखिए हमें s क्या होता है, सेमी पैरामीटर होता है। तो हमें पैरामीटर गिवन क्या था, 42, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, s की वैल्यू आ जाएगी क्या हो जाएगी, 21। तो यहां से हम इसे पुट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कर देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, एस की वैल्यू क्या है आपकी, 21 माइनस फर्स्ट साइड क्या थी आपकी, 12 थी, सेकंड साइड भी क्या है, ये भी 12 है, और थर्ड साइड क्या थी आपकी, 18। ठीक है, तो देखिए 21 माइनस 12 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 9, 21 − 12 = 9, और ये 21 − 18 = 3। तो यहां से अगर मैं करता हूं तो इसके मैं फैक्टर करता हूं, 7 × 3, 9 के हो जाएंगे 3 × 3, और इस 9 के भी क्या कर देता हूं मैं, 3 × 3, और ये आपका 3। अब देखिए जिन जिन के आपके पेयर होते जा रहे हैं इन्हें हम बाहर निकालेंगे, तो ये 3 आपका बाहर आ जाएगा, ये भी 3 और 3, तो 3 × 3 × 3 इसका पेयर नहीं हुआ तो क्या हो गया, √7, यानी कि कितना मिल गया हमें यहां से, 27 √7।
या तो आप इसे आंसर छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही है, वरना आप क्या करेंगे 27 में मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 7 की वैल्यू, वो क्या होगी 2.64, ठीक है ना। अब दोनों का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो 71.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें मिल चुका है, ठीक है। तो आपका सेकेंड पार्ट भी हो गया क्वेश्चन का। अब चलते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, इसकी हाइट पूछी है, ठीक है ना। तो चलिए थर्ड पार्ट निकाल लेते हैं क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, तो हाइट के लिए हमारे पास जो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता है आपका हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें क्या मिला है 71.42, तो यहां से मैं वैल्यू रख देता हूं तो क्या हो जाएगी 71.42, ये डेसिमल में थोड़ा आगे पीछे आ सकती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है, बेस जो था हमारा, बेस क्या था हमारा 18 सेंटीमीटर, तो बेस की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे 18 से, और इंटू हमें क्या निकालनी है हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या हमें क्या होगा 71.42 में क्या करेंगे 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 71.42 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 इंटू हाइट। अब क्या करना है हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी 71.42 इंटू 2 अपॉन 18, ठीक है। यहां से मैं इसे डिवाइड करता हूं 9 टाइम, 9 से अगर 71.42 को डिवाइड करूंगा तो वैसे आपका आंसर आएगा 7.935, ठीक है सेंटीमीटर। बट इसे आप अगर आंसर शीट से मैच करते हैं तो अप्रोक्स में आप इसे क्या कर सकते हैं 71.94 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या था, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।